सो हाई एवरी वन, दिस इज रानिया नसीम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार हम लोग आज काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट एक महीने बाद। तो यार गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि मैं सिर्फ घर में ही होती हूँ और बहुत अजीब सी रूटीन बनी हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे पेपर्स खत्म हुए थे, उसके बाद मैं चिल पिल करते एक महीना गुजर गया और मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी, मेरा कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा था, मतलब आइसक्रीम वगैरह। तो फिर मैंने कहा अपनी अम्मी को के चलें कहीं चलते हैं। तो अभी हो रहे रात के 8:30 होने वाले हैं, ठीक है, और मैंने कहा कि चलें हम चलते हैं। तो अम्मी हो रही हैं रेडी, उतनी देर आ जाती है हमारी राइड, फिर हम चलते हैं। तो मेरी आपसे मुलाकात होती है मेरी डेस्टिनेशन पर पहुँच कर। तो यार हम लोग रेडी हो गए थे और अब हमारी राइड आ चुकी है। बहुत 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 लेट हो रहे हैं, क्योंकि लेट तो नहीं हो रहे वैसे इतना। अम्मी जी हाय बोल दें कैमरा में। हाय हाय। तो यार अभी हम डेस्टिनेशन पे तो आ गए हैं, पर अम्मी ने दिए थे मतलब बड़ा नोट और उनके पास नहीं थे खुले पैसे। अब खुले पैसे होंगे उसके बाद ये रही हमारी डेस्टिनेशन। यार द वन एंड ओनली माय डेस्टिनेशन। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और सबसे पहले हम जाएंगे बुक शॉप। बुक शॉप से मुझे कुछ अलग ही वो है अट्रैक्शन, पता नहीं क्यों है, पर मतलब मैं बुक शॉप से ज़्यादा कुछ लेती नहीं हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना और मैं जाती हूँ। मतलब बुक्स वगैरह देखी, कुछ पसंद आ जाए तो ले भी लेती हूँ, पर यह कि मैं फजूल खर्ची नहीं करती, खास तौर पर बुक्स पर। ठीक है, ये रही शॉप। अच्छा अम्मी जो है ना वो बहुत स्लो सोच। तो हम यहाँ पे देखते हैं बुक्स। वैसे मैं नॉर्मली साइंस फिक्शन बुक ढूंढने की कोशिश में होती हूँ और मुझे मिलती नहीं है, फिर मैं कुछ भी उसके अकॉर्डिंगली ले लेती हूँ। मतलब मैं ऐसे कोई कहानियाँ वानियाँ नहीं पढ़ती, मतलब कोई अगर इंफॉर्मेटिव चीज़ हो तो वही मैं लेती हूँ, ऐसे नहीं होती मेरी कोई भी चीज़। देखें यहाँ पर मैं यहाँ से ही लेती हूँ, ठीक है। वैसे काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन भी है, वाओ। यहाँ से देखते यकीनन यहाँ पे कोई काम की बुक नहीं होगी, इसीलिए ये मोहतरम यहाँ लिखे हैं, है ना अम्मी? रुके मैं देखती हूँ। तो रुके गाइस, मैं कोई बुक देख के ना फिर ही आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ऐसा मुझसे कोई बुक नहीं ढूंढी जाएगी। तो गाइस मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये बुक्स 50% ऑफ पे आए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आइसक्रीम खाते हैं। हाँ, अब हम यहाँ से जा रहे हैं और ये देखें जी, वाओ अमेजिंग। वैसे इतनी कोई ख़ास नहीं थी जितनी मैंने तारीफ कर दिया। अम्मी जी आ जाए यार। अम्मी को डर लगता है, वो चलने वाली सीढ़ियों से डर, तो हम जाएंगे लिफ्ट पे, जैसे कि आप उनको पता ही है तो लिफ्ट पे। किस कदर भरा हुआ है तोबा। तो यार रश इतना ज़्यादा है कि मैं क्या बोलूँ, मैं चीख चीख के बोल रही हूँ यहाँ पर। और अपने दूसरे घर आ चुकी हूँ मैकडोनल्ड्स, और यहाँ से हम ऑर्डर करते हैं, और यहाँ जगह बिल्कुल भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम बैठेंगे कहाँ पर। यार मुझे यहाँ पे अम्मी चली गई हैं, क्योंकि मुझे चेयर मिली थी और मैं दोनों हाथों से ऑर्डर ले सकती हूँ, तो मैं भी कैमरा कर रही हूँ। यार यहाँ इतना रश है, ऐसे लग रहा है पूरा इस्लामाबाद इधर ही आया हुआ है। और अम्मी आके पहले बैठ गई, अम्मी कहती है वहाँ चेयर खाली, मैं फ़ौरन से जाके बैठ। मैंने कहा वहाँ जाके बैठ जैसे पहले कि वो भी स्टूडियो पर बैठ जाए, तो मैंने ये लिया क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा खाना नहीं था, बस मेरा वैसे ही घर से बाहर जाने का मन था। तो सबसे मुझे बेहतरीन और सबसे मज़े का ये लगता है मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम। जिसने नहीं ट्राई की, मैं हमेशा कहती हूँ वो ज़रूर ट्राई करें। जो लोग मुझे शुरू से ब्लॉगिंग करता देख रहे हैं, उन्होंने तो देखा होगा कि मैकडोनल्ड्स मेरा दूसरा घर है और मैं मैकडोनल्ड्स बहुत ही ज़्यादा आती हूँ। तो इससे पहले कि मेरी आइसक्रीम पिघल जाए, मैं इससे पिघल जाती हूँ, मैं इस आइसक्रीम को खा लेती हूँ।
से खाई नहीं जाती है, बाकी भी खा ले। तो अम्मी मुझसे पूछ रही है, क्या पूछ रही है अम्मी बताएं? इसके अलावा जो पूछ रही थी वो खाना क्या हो? और क्या खाना है? पर मेरे से ये नहीं मुकरा, और मैंने क्या खाना, प्राइस भी मेरे खत्म नहीं हो रहे। अच्छा मेरा ये है, मेरा हंगामा ज़्यादा होता है और खाना कम होता है। मैं कहती हूँ मैंने मैकडोनल्ड्स नहीं खाया, मैंने मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम खानी है, मैंने फ्राइज खानी है, अम्मी चले हैं चले, और वो मैंने हालांकि सबसे छोटी वाली चीज़ मैं लेती हूँ क्योंकि वो भी बच जाती है मेरे से, हालांकि अम्मी मेरे साथ खा रही थी, अम्मी कहती ख़त्म ही नहीं हो रही, पर यही सीन है यार, सब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, शायद सबके साथ नहीं होता ऐसा। मेरी जो बड़ी बहन है शिमा बची, उसके साथ तो नहीं होता ऐसे, जितनी चीज़ मंगवाती है ना उतनी वो इजीली खा लेती है। इस्लामाबाद में इस दफ़ा इतनी गर्मी भी कभी नहीं हुई ना। हम यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं इस्लामाबाद में? 19 साल मतलब 19-20 साल हो गए। और इतनी पहले तो खैर जब मैं बहुत छोटी थी तब तो यहाँ गर्मी 30 सेंटीग्रेड, 29, 31 इतनी ही होती, अब यहाँ 42 तक गया होता है। और ऐसे लग रहा होता है कि इस्लामाबाद नहीं ये कराची है शायद या लाहौर है, ऐसी कोई जगह। आप लोग बताएं आप लोगों की जो सिटी है उसमें कैसी गर्मी है? अब तो हर जगह ही समर्स चल रहा है, तो पाकिस्तान पूरा ही बहुत ही हीट हुआ है आजकल। पाकिस्तान में आजकल सही पीक लेवल पे गर्मी चल रही है, पर अब तो अमेरिका में भी काफ़ी गर्मी हो गई है, क्या ही कह सकते हैं। कुछ ख़त्म कर चुके हैं हम, अब करते हैं अपने बोरी बिस्तरिया चले। आउटफिट्स में सेल लगी है, चलना। और ये है हाल सेंटोरस का, कोई जगह खाली नहीं है यहाँ पे, कुछ भी खाली नहीं है। अभी हमें एक फ़ैन मिले, हम उनसे मिले, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना चलती सीढ़ियाँ होती हैं, वो क्या कहते हैं जो भी कहते हैं, उससे अम्मी को बहुत डर लगता है, ठीक है। अम्मी कहती है उससे तो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है ये, फिर हम इसी में जाते हैं मजबूरी। वो रही हमारी डेस्टिनेशन। मेरी अम्मी के कानों में उड़ती उड़ती हवा आई थी जो कि डाली थी शम्मा बाजी ने कि आउटफिटर्स पे लगी है सेल 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 सेल, जैसे बहुत कुछ सस्ता होगा। अम्मी कहती चलो सेल लगी वहाँ देख लेते हैं, पर मेरा नहीं ख्याल कि कुछ सस्ता होने वाला है वहाँ पे, मतलब यार एक्सपेंसिव ही है फिर भी, मुझे तो मेरे तो ख्याल से अच्छा, मैंने अगर अपने पैसे नहीं खर्च करने फिर तो ठीक है। हाँ अच्छा नहीं लग रहा शायद मुझे, कैसी है ये देखिए मुझे वो वाली, ये वाली अम्मी ये तो नहीं ठीक मुझे लग रही। नहीं अच्छा, मुझे राइटिंग वाली शर्ट अच्छी लगती है, जिसके ऊपर कुछ अच्छा लिखा हो वो शर्ट मेरा जो है ना दिल जीत लेती है। अम्मी जी अच्छी है, कर ले इसको, हाँ अच्छी है ना, ठीक है। अच्छा मैं कोई और भी शर्ट देखती हूँ, मैंने इसे फेक लेनी है, मेरे पास टी शर्ट सब पता है काफ़ी है, मैंने इसे फेक ही लेनी है, मैं देखती हूँ अगर मुझे कोई और अच्छी लगी तो वो ले लूँगी, नहीं तो फिर मैं इसी को डाल करूँगी, ठीक है। A few minutes later. 70 घंटे और शर्ट देखने के बाद ली हमने वही वाली शर्ट है। अम्मी कहती है मैं फिर ले आऊंगी, तुम्हें तुम ले रहे ना अभी यहाँ से, चलो जल्दी जल्दी, पता नहीं क्यों जल्दी है। टाइम काफी हो गया, हम सीधा घर जाएंगे, ठीक है।
चलिए मोहतरमा। क्या अम्मी पालो हाथ कि मना किया तुम वैसे डाल के हाथ करना है क्या अम्मी नहीं यार अब मैं वेट कर रही हूँ राइड का और इसके बाद हमें जाना है घर और फिर बस मतलब मुझे शर्मा मुझे लोगों के साथ आने की आदत है ना तो वो लोग ना काफ़ी मतलब उनके साथ ना गपशप होती है। अब अम्मी मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है पर अम्मी उतनी टॉक्टिव नहीं है ठीक है तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि लोग चुप चुप ही थे तो मतलब इतने टॉक्टिव नहीं है अम्मी तो इसलिए यार अब हम जाने लगे हैं घर बहुत जल्दी हमें घर जाने की ठीक है तो यहीं पर करती हूँ ब्लॉग एंड ब्लॉग पसंद आया तो